हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, शहनाज और गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की, बहुत ही प्यारी पिक्चर, बहुत ही मासूम, बहुत ही दिलकश। लेकिन उस पिक्चर के साथ जो कमेंट लिखा उन्होंने, वो हिला देने वाला कमेंट है। वो सच में सोचने पर मजबूर करता है, होश फाकता करता है वो कमेंट। आज तक हमने शहनाज और गिल के मुंह से सिर्फ चिल मारो, फन लविंग, फनी, कॉल मी लेटर, ऐसी ही बातें सुनी है। शहनाज गिल के मुंह से सेंसिटिव सीरियस बातें कभी नहीं सुनी है। लेकिन यहां पे उन्होंने इतना खतरनाक वाला, इतना सेंसिटिव, इतना दिल को छू लेने वाला कमेंट किया। जो तो वो कमेंट क्या है, मैं पहले आपको बताता हूं। तो यहां पे शहनाज गिल लिखती है कि सिन इज ए प्रोडक्ट दैट अपीयर्स टू बी अट्रैक्टिव एंड चीपली अवेलेबल, बट इन रियलिटी वन कीप्स पेइंग इट्स प्राइस फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड, हैशटैग कर्मा। यानी कि पाप या दुष्कर्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बड़ा ही आकर्षित करने वाला होता है, बड़ा ही दिल को लुभाने वाला होता है और बड़े सस्ते में मिल जाता है। पर असल में, एक्चुअल में, उस पाप की, उस दुष्कर्म कर्म की जो कीमत है, जो मूल्य है, जो प्राइस है, तो वो एक व्यक्ति को जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। यही है कर्मा। तो कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। तो भले ही शुरू में ये अच्छा लगे करना, लेकिन करने के बाद ताउमर उसका आपको बोझा ढोना पड़ता है। ये लिखती है शहनाज कौर गिल। लेकिन यहां पे ये सोचने की बात है कि शहनाज कौर गिल जो फन लविंग थी, कॉमेडी करती थी, ये ऐसी सीरियस बात क्यों लिख रही है? वो किसकी तरफ इशारा है? कौन से पाप की बात कर रही है? वो किसके दुष्कर्म की बात कर रही है जिसका के उनको जिंदगी भर भुगतान करना पड़ेगा? तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, आपको ये कैसा लगा। अगर ये कमेंट नहीं पढ़े तो पिक्चर शहनाज कौर गिल की बहुत अच्छी है, लेकिन ये कमेंट पढ़ के आपको कुछ इसका अर्थ, मतलब कोई दूसरा समझ में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।